हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइज, ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे ये रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी जोडिक साइन के लिए, तो आपका जो भी जोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइज, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। ओके, करते हैं गाइज आपके पर्सन की एनर्जीज को चेक, देखते हैं क्या निकल कर आता है। फोकस कीजिए गाइज आप अपने पर्सन की एनर्जीज पर। ओके, और हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट स्टार्ट योर रीडिंग कि क्या निकल कर आता है। यहां पर पहली एनर्जी जो मुझे दिखाई दी है गाइस, किस पर्सन का जो दिमाग है उसके हिसाब से बॉडी काम नहीं कर रही है, लिटरली यही एनर्जी है पहली। और यहां पर फोर नंबर बना है पहला, ठीक है। मतलब कहने का मेरा ये है कि जैसे एक होता है ना कि दिमाग आपका कुछ कह रहा है, ठीक है, और उसी तरीके से आपकी बॉडी भी साथ दे रही है वही काम करने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय में आपके पर्सन अपने आप को बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहे हैं, यानी कि इनको बहुत ज्यादा मन होता है डिफरेंट डिफरेंट काम करने का, कभी कुछ, अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि इनकी जो बॉडी है वो इनका साथ नहीं दे रही है। इट मीन्स कि ये पर्सन अपने आप में बहुत ज्यादा टायर्ड फील करते हैं, बहुत थका हुआ महसूस करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि इन्हें कोई इस समय कुछ हेल्थ प्रॉब्लम चल रही हो, ये मुझे पहली एनर्जी इनकी दिखाई दी थी। और यहां पर फोर नंबर बहुत स्ट्रांग आज निकल कर आया है। यहां पर गाइज मैं ये देख रही हूं कि ये पर्सन इस वक्त ये नहीं देख रहे हैं कि कौन सी चीजें इनकी लाइफ में अच्छी हैं, यानी कि कौन सी चीजें इन्हें पसंद हैं और क्या ये कर सकते हैं। इस वक्त आपके पर्सन का जो ध्यान है वो इन चीजों पर है कि क्या इनकी लाइफ में नहीं है और क्या इनको पसंद नहीं है जो भी इनके सामने हो रहा है, ठीक है। मतलब पॉजिटिव पर ध्यान ना होकर आपके पर्सन का जो ध्यान है वो नेगेटिव पर है, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको ये देखना है कि आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इस पर्सन के लिए मैं ये देख रही हूँ कि पॉजिटिव पर कोई ध्यान नहीं है, नेगेटिव पर पूरा ध्यान है, ठीक है। और ये देख रहे हैं कि क्या क्या इनको अपनी लाइफ में पसंद नहीं है जो इनकी लाइफ में हो रहा है, ये इस पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है। इस पर्सन को बेसिकली यही चाहिए, ठीक है, इस टाइम पीरियड में कि लोग इनके सामने झुके, ठीक है। ये इस पर्सन की एनर्जी मैं ये देख रही हूँ कि पर्सन अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग और बहुत ज्यादा इनके अंदर ईगो तो है ही, ठीक है, ईगो तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इसके अलावा मैं ये भी देख रही हूँ कि इस पर्सन के अंदर ये भी रहता है कि सारे लोग जो भी इनके आसपास हैं वो इनसे हेल्प के लिए बोले, ठीक है, इनकी हेल्प मांगे या फिर इनसे सलाह मशवरा करें या फिर इनकी सलाह लें, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर एक इमेज दिख रही है जैसे कोई इंसान खड़ा है सामने और लोग और एक इंसान उसके सामने घुटनों के बल बैठा हुआ है। मतलब ये एनर्जी यहाँ पर ये बताने की कोशिश करी कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में इस तरीके से बड़ा बनना चाहते हैं या फिर ये चाहते हैं कि इनके आसपास जो भी लोग हैं वो इसी तरीके से इनके नीचे बैठे, यानी कि इनके सामने घुटने टेकें, ठीक है, इनको अपना सब कुछ माने, ठीक है, इनकी हेल्प लें, इनकी सलाह लें, ठीक है। और बेसिकली गाइस मुझे यहाँ पर वो वाली एनर्जी आ रही है जैसे कुछ लोग होते हैं जो दूसरों को अपने से ऊपर नहीं देख पाते हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि उनके आसपास जो भी लोग हों वो उनसे नीचे रहें, ठीक है। अगर उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की है तो वो चाहते हैं कि जो डिग्री मेरे पास है वो इनमें से किसी के पास ना हो, ये मुझसे कम पढ़ाई में होने चाहिए। अगर वो किसी जॉब में तो वो चाहेंगे कि मुझसे छोटी जॉब इनके पास हो, मुझसे बड़ी जॉब इनके पास ना हो। अगर उनके पास कोई अच्छा घर है तो वो चाहेंगे कि मेरा घर सबसे अच्छा है, मेरे से छोटे इन लोगों के पास हो लेकिन मुझसे बड़ा ना हो। जो भी इनके इनके आसपास हैं, इनके रिश्तेदार हैं, इनकी फैमिली में जो रिलेटिव्स होते हैं,
ये मुझे इस पर्सन की एनर्जी समझ में आ रही है. सो ये लिटरली बहुत ज्यादा घमंड वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे फील हुई है गाइस. लिटरली इस पर्सन को चाहिए ये कि ये लोगों की हेल्प करे, लेकिन इस पर्सन की मंशा ये है कि लोग इनके सामने झुके. ठीक है, ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है. इस पर्सन के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस कि ये काफी रूड है. ठीक है, अगर ये बिजनेसमैन भी हैं या फिर ये किसी ऐसी जॉब में भी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के साथ पोलाइट नहीं है, हम्बल नहीं है. ये पर्सन काफी स्ट्रिक्ट है, काफी रूड है. जो जो ये कहना चाहते हैं वो ये कह देते हैं. ठीक है, जैसे आप किसी जॉब में हैं और आपके नीचे, आपके अंडर में अगर कोई काम कर रहा है, तो आपको चाहिए कि आप उसकी भी रिस्पेक्ट करें, या फिर आप उससे बहुत पोलाइटली बात करें, प्यार से बात करें. ठीक है, क्योंकि वो आपसे नीचे है तो आप उस पर चिल्ला रहे हैं. ऐसी भी इस पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है गाइस. ठीक है, ये जो यहाँ पर इमेज बनी है उससे मुझे यहाँ पर यही नजर आ रहा है. इस पर्सन को अगर कोई चीज झुका सकती है, ठीक है, इस पर्सन को अगर कोई चीज झुका सकती है तो वो है इमोशंस. ठीक है, इस इंसान को गुस्सा नहीं झुका सकता है, इस इंसान को डर नहीं झुका सकता है, इस इंसान को अगर कोई चीज झुका सकती है तो वो है प्यार. ठीक है, इमोशंस ये इस पर्सन को झुका ले जाते हैं. मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर अब अगला जो बना है गाइस वो हार्ट बना है, जो एक एनर्जी दे रहा है यहाँ पर कि इस पर्सन को अगर कोई भी चीज झुकने पर मजबूर कर सकती है तो वो है प्यार या फिर इमोशंस. ठीक है, उसमें ही ये पर्सन झुकते हैं, उसमें ही पर्सन लोगों की बात मानने के लिए तैयार होते हैं. अदरवाइज तो ये पर्सन किसी की डांट से भी ना डरे और किसी की धमकी से भी ना डरे. ऐसी एनर्जी मुझे इस पर्सन की लग रही है. ठीक है, यहाँ पर मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है गाइस कि ये आपके प्यार के आगे झुक जाते हैं. ठीक है, ये आपके प्यार के आगे सरेंडर कर देते हैं. ऐसी भी एनर्जी मुझे इस पर्सन की लग रही है इस इमेज को देखकर. मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आप लोग मैरिड हो. ठीक है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन मैरिड है. ठीक है, इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके बच्चे भी हैं. ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है. मतलब जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो गाइस वो मैरिड पर्सन है और उनके बच्चे हो सकते हैं. ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है. यहाँ पर गाइस मुझे टी लेटर दिखाई दे रहा है. मुझे यहाँ पर इस पर्सन के लिए ये भी लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में इसके फ्रेंड्स जो भी हैं, ठीक है, मुझे यहाँ पर जो एनर्जी दिखाई दे रही है इनके ज्यादा फ्रेंड्स नहीं होंगे गाइस. ठीक है, इस पर्सन की जो एनर्जीज हैं, इस पर्सन के ज्यादा फ्रेंड नहीं है और आपके पर्सन को लॉयल्टी बहुत ज्यादा पसंद है. ठीक है, इस पर्सन की लिटरली एनर्जीज मुझे ऐसी दिखाई दे रही है जैसे अगर कोई भी इंसान इनके साथ गद्दारी करने की कोशिश करता है या फिर इनको पीठ पीछे वार करता है, ये उस पर्सन को, उस इंसान को अपनी जिंदगी में दोबारा कभी जगह नहीं देते हैं. ठीक है, काफी स्ट्रिक्ट है ये. और मैं ये भी देख रही हूँ कि इनके ज्यादा फ्रेंड्स नहीं होंगे गाइस. ठीक है, इनके ज्यादा फ्रेंड्स नहीं होंगे. एक तो गाइस मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि इनको सहानुभूति पसंद नहीं आती है. लिटरली मुझे ये एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है कि आपके पर्सन को सहानुभूति पसंद नहीं आती है. इस पर्सन को ऐसा लगता है अगर कोई इनको सहानुभूति देता है, अगर कोई अच्छा फील कराने की कोशिश करता है, तो इस पर्सन को फील होता है कि वो इन पर दया कर रहा है. ठीक है, वो इन पर दया कर रहा है और इस पर्सन को ये चीज कदी बर्दाश्त नहीं होती है कि कोई इन पर दया करे. ठीक है, मतलब अगर आप उनको जाएंगे और इनको समझाने की कोशिश करेंगे, अगर जरूरत से ज्यादा आपने इनको समझा दिया, तो ये पर्सन यही बोलने वाले हैं कि मुझे जरूरत नहीं है इतना समझाने की. मतलब फिर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इंसान मेरे ऊपर दया कर रहा है. मतलब ये मुझे कम समझ रहा है, ये मुझे कमजोर समझ रहा है. और आपके पर्सन को कमजोर दिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. ठीक है, इस पर्सन को अपने आप को स्ट्रांग दिखाना ही है, हर हालत में दिखाना है, भले ही ये स्ट्रांग हो या ना हो. और इस पर्सन के लिए मुझे यहाँ पर एक जैसे आपने जाला देखा होगा ना, मकड़ी का जाला, कुछ वैसी एनर्जी यहाँ पर है. तो इस पर्सन के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि गाइस कभी कभी इनकी जो सोच है उसी सोच में ये उलझ भी जाते हैं. ठीक है, ये अपनी ही सोच से अपना जाल बुनते हैं और उसी में रहते हैं. मतलब
गाइस ये पर्सन अपनी नजरों में बहुत बड़े इंसान है, ठीक है, वो अपनी नजरों में ही बहुत बड़े इंसान है और आप इन्हें कितना भी समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन समझने वाले हैं, ठीक है, अभी तक की एनर्जी में जो मैं देख पा रही हूं, क्योंकि इसकी एनर्जी जो मुझे फील हो रही है वो ऐसी है कि आप इनको अगर ज्यादा समझाने की कोशिश करेंगे या फिर आप इनको ज्यादा केयर देने की कोशिश करेंगे तो ये पर्सन को ऐसा लगेगा कि आप इन्हें कमजोर समझ रहे हैं, ठीक है, आप इन्हें कुछ समझ नहीं रहे हैं। बहुत वियर्ड सी एनर्जी मुझे इस पर्सन की नजर आ रही है। इस पर्सन को गाइस सबसे ज्यादा पसंद है आपके साथ राइड करना, ठीक है, बाइक राइड, मुझे ऐसी एनर्जी भी फील हो रही है, ठीक है, इनको पसंद है। अगर आप लड़की हैं तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की इस तरह की डेट रही है, ठीक है, या फिर आप दोनों का ये कोई मोमेंट वगैरह है, लेकिन इस पर्सन को ये बहुत ज्यादा पसंद है बाइक राइडिंग, ठीक है। यहाँ पर मुझे बाइक और दो लोग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, लिटरली उस पर बैठे हुए ऐसी इमेज दिखाई दे रही है। तो ये उस टाइम को या तो याद कर रहे थे गाइज आज के दिन में, या फिर इनका मन होता है कि आपके साथ बाइक राइड की जाए, ठीक है, ये भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। गाइज ये पर्सन हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं ऐसा लगता है, मतलब ये गाइज मैरिड हो या अनमैरिड हो, मुझे यहाँ पर मैरिड की एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन ये अपनी फैमिली लाइफ से खुश नहीं नजर आते हैं, ठीक है, ये हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, यानी कि ये एक ऐसी फैमिली बनाना चाहते हैं जहां पर ये और इनके साथ जो लोग भी रह रहे हैं वो खुश हों, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। इनको गाइज आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप परफेक्ट पार्टनर हैं इनके लिए, जो जैसी फैमिली ये चाहते हैं वैसी फैमिली आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, इनको ऐसा ट्रस्ट है आपके ऊपर, ये ऐसा भरोसा करते हैं आपके ऊपर कि जैसी फैमिली ये चाहते हैं वैसी आप फैमिली आपके साथ बनाई जा सकती है, वैसी फैमिली बनाने में आप इनकी मदद कर सकते हो, हैपनिंग फैमिली, खुशहाल फैमिली, ठीक है। ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को खुश रखना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि लोग इनसे बोले कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ऐसे खुश रहना है, मेरी खुशी इसमें है, और ये पर्सन पूरा करें। बेसिकली इस पर्सन को इस पर्सन को वो वैल्यू चाहिए, इस पर्सन को वो जगह चाहिए, इस पर्सन को वो प्लेस चाहिए जहां पर लोग इनके आगे आकर बोल रहे हैं कि स्कॉर्पियो राशि है गाइस, ये स्कॉर्पियो राशि है यहाँ पर, ठीक है, यस। तो यहां पर मुझे इस पर्सन की एनर्जी में ये लग रहा है कि इस पर्सन को बस ज्यादा कुछ नहीं, इस पर्सन को प्रायोरिटी चाहिए, जिसकी लाइफ में भी ये रहें, ठीक है, ये प्रायोरिटी बनने चाहिए, ऐसी इस पर्सन की एनर्जी मुझे आज के दिन में नजर आ रही है। और ऐसा ही ये आज के दिन में सोच रहे थे कि मुझे जिसकी लाइफ में रहना है मैं कम लोगों को रखूंगा या रखूंगी, लेकिन जितने भी लोग मेरी लाइफ में रहने चाहिए वो सब मेरे को वैल्यू देने चाहिए, मेरे को तवज्जो देने चाहिए, उन सबकी लाइफ में मेरे को प्रायोरिटी मुझे चाहिए, मतलब ऐसी एनर्जी मुझे इस पर्सन की आज के दिन में नजर आ रही है। इज्जत इस पर्सन के लिए एक मेन वर्ड है जो ये चाहते हैं अपनी जिंदगी में, ये जो इनकी ख्वाहिश है, यहां पर एच लेटर है गाइस, ई लेटर है यहां पे, इस पर्सन के लिए मैं एक एनर्जी और फील कर पा रही हूँ गाइस, ये कहीं पर भी जाते हैं इनकी नजरें आपको ही ढूंढती रहती हैं, ठीक है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है, जैसे ये पर्सन कहीं पर भी जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जहां भी जाते हैं आप जैसा इंसान तलाश करने की कोशिश करते हैं, अगर रिश्ते भी देखते हैं अनमैरिड है तो आप जैसा इंसान ढूंढने की कोशिश करते हैं, और अगर मैरिड भी हैं तो भी इंसान आप जैसा ही इंसान तलाश करने की कोशिश करते हैं। ये मुझे दो बार एनर्जी दिखाई दी, लेकिन तीसरी बार में मुझे यही मैसेज इससे चैनल हुआ, पहले दो बार में मुझे मैसेज नहीं समझ में आए इसके, तीसरी बार में मुझे ये मैसेज चैनल हुआ कि ये पर्सन कहीं ना कहीं
यू नो आप जैसे इंसान ही तलाश करते हैं हर जगह, ठीक है। अगर ये रिश्ते भी देखते हैं तो ऐसा इंसान देखते हैं, ऐसा लड़का देखते हैं, ऐसी लड़की देखते हैं जो बिल्कुल आपकी तरह हो, ठीक है। और अगर ये मैरिड हैं तभी भी यू नो ये हैप्पी फैमिली अगर बनाना चाहते हैं तो इनके माइंड में सबसे पहला नाम आपका आता है। ऐसी मुझे इस पर्सन की एनर्जीज आज के दिन में दिखाई दे रही हैं। लेट्स सी गाइस कार्ड से क्या आता है और अच्छे से पता चलेगा। कार्ड से जब हम रीड करते हैं तो जो मैसेजेस यहाँ नहीं मिल पाते वो कार्ड्स में मिलते हैं। ओके, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स। सिक्स कार्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, वाओ, जो मैं बोल रही थी वो आया भी है, टू ऑफ वैंड्स, ये तो काफी सारे हैं, इतने सारे नहीं चाहिए का। ओके गाइस, तो ये पर्सन आज के दिन में क्या सोच रहे थे। तो यहां पर मुझे ये नजर आ रहा है गाइस पर्सन की एनर्जीज को देखकर कि आज के दिन में ये पर्सन, देखिए यहां पर एम्परर का कार्ड भी है और यहां पर किंग ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है और यहां पर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। यहां पर चैरियट है। ये सारे कार्ड्स में एक चीज गाइस आप देख पा रहे हैं, एम्परर का कार्ड होता है यू नो अपना खुद का एम्पायर, ठीक है। एक वेल सेटल्ड इंसान, ठीक है, जो काफी मैच्योर है, ठीक है, और जो कम बोलता है लेकिन यू नो इमोशंस को हाइड करते हैं ये। वैसे ही किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये अपने एक्सपीरियंस से सीखे हुए हैं, क्लियर कट हैं, ठीक है। लोगों को जल्दी एंटरटेन नहीं करते हैं, लोगों को जल्दी जिंदगी में जगह भी नहीं देते हैं और क्लियर रहते हैं अपनी बातों के साथ। एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल दिखा रहे हैं, यू नो ये दिखा रहे हैं कोई पर्सन चैरिटी कर रहा हो। तो इस पर्सन के लिए गाइस यही एनर्जीज हैं जो मैं आपसे बोल रही थी, ठीक है। यही एनर्जीज मैंने आपसे बोला रीडिंग में कि इस पर्सन को चाहिए कि लोग इससे हेल्प मांगे, इस पर्सन को चाहिए कि आप मेरे पास आइए, मेरी हेल्प लीजिए, मुझसे पूछिए, आप मैं आपको बताऊंगा, या फिर आपको मदद की जरूरत है तो मेरी मदद लीजिए, ठीक है। ये पर्सन यू नो काफी स्ट्रिक्ट है, काफी रूड है। मैंने आपसे बोला था कि इस पर्सन को इस पर्सन को डरा नहीं सकती चीजें, धमका नहीं सकती है, दोनों ही चीजों से ये पर्सन नहीं मानेंगे क्योंकि ये काफी स्ट्रांग है गाइस। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है ऑलरेडी, ये बहुत स्ट्रांग पर्सन है। एंड एम्परर गाइस इनको ना हमेशा ऐसी ही गद्दी चाहिए अपनी जिंदगी में, एक ऐसा सिंहासन इनको चाहिए जहां पर ये रूल कर सके। ये तीनों एनर्जीज गाइस इस रीडिंग को कंफर्म कर रही है जो मैंने आपसे बोला रीडिंग में कि आज के दिन में ये यही सोच रहे थे, ठीक है। ऐसी मुझे इनकी एनर्जीज दिखाई भी दी थी यहां पर गाइज। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है, ठीक है। तो यहां पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को अपना परफेक्ट मैच आप ही लगते हो। मैंने आपसे रीडिंग में बोला था कि इनको कोई भी नाम अगर समझ में आता है कंटिन्यू करने के लिए, हैप्पी फैमिली बनाने के लिए, तो वो आपका ही नाम है, ठीक है। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप इनका परफेक्ट मैच हो, यानी कि आप इन्हें मैच कर सकते हो। इस पर्सन को जल्दी ऐसा भी नहीं लगता कि कौन कोई इन्हें मैच भी कर सकता है। ये पर्सन काफी सेलेक्टिव मुझे लग रहे हैं, ठीक है। इनका नेचर ऐसा है कि बहुत इजीली ये चीजों को सेलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। कम ही चीजें इन्हें पसंद आती हैं और जो चीज इन्हें पसंद आती है तो फिर यू नो इनका माइंडसेट ये है कि हाँ मुझे यही 100% पसंद है, ठीक है। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से ऐसा लग रहा है कि परफेक्ट मैच ही आपको अपना ही यही मानते हैं। मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर्स भी अपने माइंड से काफी ज्यादा क्लियर हैं और इन्होंने भी पास्ट में बहुत एक्सपीरियंस लिए हैं और ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, क्लियर बात करते हैं। तो यही जोड़ी गाइस, इनको अपनी जोड़ी आप में ही समझ में आती है, जो मैं आपसे बोल रही थी वो यहां पर भी निकल कर आया है। एंड सिक्स ऑफ कप से गाइस ये पास्ट मेमोरीज को भी याद कर रहे थे। मुझे यहां पर बाइक राइड की एनर्जी दिखाई दी थी, ठीक है, जैसे आप लोग, तो यहां पर वही एनर्जी है कि पास्ट की बातें इनको काफी ज्यादा याद आती हैं और जब भी इनको पास्ट की बातें आपके कनेक्शन की याद आती हैं,
ये पर्सन अपने आप को यू नो अकेला अकेला महसूस करते हैं फिर, ठीक है। देखिए गाइस, कोई इंसान अगर अपना इमोशंस पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, इमोशंस छुपाने की कोशिश करेगा, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला ही फील करता है। यहाँ पर नाइन ऑफ वेंड्स की एनर्जी यही दिखा रही कि पर्सन जब भी पास्ट की मेमोरीज को याद करते हैं, आपकी जितनी भी यू नो पास्ट वाली बातें रही हैं, उसके बाद यू नो ये अपने आप को अकेला ही महसूस करते हैं। और ये आज के दिन में उस समय के बारे में भी सोच रहे थे जब इन्होंने डिसीजन लिया था आपसे मूव ऑन करने का, ठीक है। इस पर्सन को वो समय याद आता है कि कैसे इन्होंने डिसीजन लिया था आपसे मूव ऑन करने का, कैसे इनने अपने दिल पर इतना बड़ा पत्थर रख के ये डिसीजन लिया था कि ये आपसे मूव ऑन करके जाएंगे, ठीक है। ये पर्सन उस समय को बहुत ज्यादा याद कर रहे थे आज के दिन में। और जब भी ये यू नो सोच लेते हैं ना कि आप कैसे इनके साथ थे और कैसा आपका समय रहा है इनके साथ, ये पर्सन अपने आप को बहुत यू नो अकेला महसूस करने लगते हैं। ऐसी भी इसकी एनर्जी थी आज के दिन में, ठीक है। यहाँ पर आज के दिन में बी लेटर है गाइस, जेड लेटर है, तो ये बी लेटर वालों से, जेड लेटर वालों से, वन नंबर वालों से रेजोनेट कर सकती है रीडिंग। जेमिनी डी लेटर है, किसी ने मुझसे पूछा था मैम आप लेटर्स क्यों निकालते हो, एम लेटर है, इसलिए निकालती हूँ ताकि यू नो आप और कंफर्म कर सको कि ये जो रीडिंग है ठीक है वो आप ही के पर्सन की है। फोकस एल लेटर है, गाइडेड, आपके पर्सन गाइडेड है, ठीक है, गाइडेंस में है। सी लेटर है, डिवाइन कनेक्शन है ना, दिख रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, तो गाइडेंस तो मिल रही है। ए लेटर है, ठीक है, एक दो और लेते हैं। टू नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है एंड टॉरस, टॉरस राशि है यहाँ पे, ओके। मैसेज लेते हैं, आई एम नॉट रियली बिजी, आई एम फेकिंग इट। देखिए इस पर्सन को ना फेक करने की बहुत ज्यादा आदत है, ठीक है, लिटरली बहुत सारी चीजें ये पर्सन फेक ही करते हैं, ठीक है, दिखावा दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं। तो ये पर्सन बोल रहे हैं कि मैं कोई बिजी बिजी नहीं हूं, मैं सिर्फ दिखावा करता हूं। आई फियर यू विल नेवर फॉरगिव मी। अच्छा, इस पर्सन को ना ये भी डर लगता है कि आप माफ नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे रीडिंग में ही बोला था गाइस, ये पर्सन अगर झुकेंगे तो इमोशंस और दिल के आगे झुकेंगे, अदरवाइज इस पर्सन को कोई झुका नहीं सकता है। आई फियर यू विल नेवर फॉरगिव मी, इस पर्सन को कहीं ना कहीं डर लगता है कि आप इन्हें माफ नहीं करोगे। आई वॉज अफ्रेड दैट यू वुड रिजेक्ट मी इफ आई शेयर माई फीलिंग्स टू यू। आपके पर्सन कह रहे हैं मुझे बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता था कि तुम कहीं मुझे रिजेक्ट ना कर दो अगर मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताऊं तो, ठीक है। इस पर्सन के इसका जो मान सम्मान है, इज्जत है, वो बहुत ज्यादा बड़ी है, तो रिजेक्शन का डर बहुत ज्यादा आप लोगों के पर्सन को लगता है। एक तो इनको डर लगता है कि आप माफ नहीं करोगे, दूसरे इनको लगता है कि अगर पास आ गए तो कहीं रिजेक्ट ना कर दो, ये बहुत मैसेज निकल कर आता है। तो काफी सारे लोगों के पर्सन के लिए ये कॉमन प्रॉब्लम मुझे नजर आ रही है। ओके सो गाइज, ये आपकी रीडिंग, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइज।